हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज नाउ आई एम स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। ए व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही समझते हैं, क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कोई व्हील है जो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करता है, 360 रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करता है। तो बताइए वो 1 मिनट में कितना रेडियन एंगल मेजर करेगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि रिवॉल्यूशन है क्या चीज। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन के लिए हम समझ सकते हैं, अगर मेरे पास कोई एक सर्कुलर चीज है, सपोज मेरे पास ये कोई व्हील है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसका रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने किसी टायर को यहां पे मार्क कर दिया चौक से और ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब रोटेट करने के बाद ये वापस इसी पॉइंट पर आ जाए जहां पर मैंने मार्क किया था, इट मींस इसने अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लिया गया है। यानी किसी भी सर्कुलर चीज के द्वारा अपना एक चक्कर कंप्लीट करने को कहा जाता है 1 रिवॉल्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। रिवॉल्यूशन बाय व्हील इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में उस व्हील द्वारा कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए गए, कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो हमारे पास 360 डिग्री नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय व्हील इन 1 मिनट, यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय व्हील, यहां पर कंप्लीट लिख लेते हैं, कंप्लीट बाय व्हील इन 1 मिनट इक्वल टू 360, यानी कि उस व्हील द्वारा 1 मिनट में उसके द्वारा कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए जा रहे हैं, 360। अब हम जानते हैं क्या कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सेकंड पूछा है, तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा किसमें, सेकंड में। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट बाय व्हील इन 1 सेकंड, कि उस पहिए द्वारा 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए गए। तो मैंने क्या किया, इसको 60 डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको क्या कर लिया है, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो कितना आया मेरे पास 6, यानी कि वो कितने, यानी कि 1 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, यानी कि वो 6 बार चक्कर लगा देता है 1 सेकंड में। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि बताइए वो 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल मेजर करता है, हमसे एंगल पूछा गया है। तो यहां पर लिखना, तो हम आगे लिखते हैं इन वन रिवॉल्यूशन एंगल मेक बाय व्हील, पहिए द्वारा 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल मेजर करता है, 360, क्योंकि एक सर्कुलर करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कोई भी चीज कितना डिग्री मेजर करती है, 360, और 360 को हम कहते हैं 2π। ये क्यों आया है, क्यों मैं यहां पर दिखा सकता हूं, क्योंकि 360 को हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, 2 × 180 में, 2 रहेगा, 180 को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, पाई। तो यानी कि 360 किसके इक्वल होता है, 2π के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना एंगल बनाएगा, 2π बनाएगा, लेकिन हमारे व्हील ने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं 1 सेकंड में, 6। ठीक है, हमें लिखेंगे इन 6 रिवॉल्यूशन एंगल मेक बाय व्हील इक्वल टू 6 × 2π, कितना हो गया टोटल एंगल, 12π, और ये आंसर किसमें, रेडियन में है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।